फिरती जिमनी का। मूविंग इंडिया टाटा मोटर्स, अब हम आ गए टाटा मोटर्स के सेक्शन में। ये स्टारबस ईवी खड़ी है, ये भी एक स्टारबस फ्यूल सेल वाली ईवी है। तुम दोनों साथ रहना। ह्यूज ट्रक डंपर खड़ा है टाटा मोटर्स का, बहुत ही बड़ा, ह्यूज ह्यूमंगस। टाटा के ट्रक्स खड़े हैं, द फेमस टाटा ट्रक्स। अब चल रहे हैं हम कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर खड़े हैं सियारा, कर्व और हैरियर ईवी। हॉट स्पॉट इस पूरे ऑटो एक्सपो का। डार्क एडिशन रेड। इधर देखो दोनों, इधर देखो, रडार आ चुका है इसमें फाइनली। प्लाज्मा ब्लू है ये, ब्लैक नहीं है। बहुत ही शानदार लग रहा है इस लाइट में। खड़े हो एवेन्या कॉन्सेप्ट के पास, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। जैसा कि बताया जा रहा है 2024 में ऑन रोड आ जाएगी गाड़ी, उसके अकॉर्डिंग इसके फीचर्स और गाड़ी का देखते हुए, इसके फीचर्स को देखते हुए और उसका जो लुक है बहुत ही बेहतरीन है। और जो अभी उधर सियारा और वो देखिए हैरियर,
कर्व, ये तीनों गाड़ियाँ कैसी हैं? ये भी लाजवाब है। ये हैरियर ईवी वो खड़ी है, सियारा और कर्व। हाँ, नए फीचर्स और नए कॉन्सेप्ट के साथ जो गाड़ियाँ आने वाली हैं बहुत ही शानदार। पब्लिक भी इधर ही पागल हो रही है सबसे ज़्यादा। उसका कारण है कि इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, गाड़ियों का जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है वो अफेक्ट कर रहा है लोगों को और आने के लिए मजबूर भी कर रहा है। हमने सारे घूम लिए हैं जितने भी पवेलियन थे, सबसे ज़्यादा किस कंपनी का आपको पवेलियन अच्छा लगा? जो सबसे बेहतरीन अभी तक देखने को मिला है पवेलियन वो है मारुति जिम्नी का, जो कि सबसे अच्छा बताया जा रहा है और लोगों में इसकी चर्चा भी सबसे ज़्यादा है। और आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन मुझे टाटा मोटर्स को लगा। आपको गाड़ी कौन सी सबसे बेहतरीन लगी? मुझे टाटा सियारा अच्छी लगी। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट? टोयोटा के पास भी कुछ बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, लेक्सस के पास भी, और टाटा मोटर्स तो हमारा हमेशा अच्छा करता ही है, ऑटो एक्सपो की जान है, लेकिन मारुति जिम्नी ने भी इस बार बहुत ध्यान बटोरा है। साथ ही में जो ऑटो कार का एक पवेलियन था उसमें जी वैगन खड़ी थी जिसने सारा लाइमलाइट लूट लिया, पोर्शे की गाड़ियां खड़ी थी और एक बेंटले भी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जी वैगन ने हाँ मज़ा बांध दिया। ऑटो एक्सपो से निकल के आ गए हैं डोमिनोज और यहाँ करने वाले हैं अपना लंच। गाइस फाइनली हमारी ट्रिप ख़त्म हो रही है, ऑटो एक्सपो हम लोग घूम के आए हैं और अब हम अपने अपने घर जा रहे हैं। आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंस रहा इस पूरी ट्रिप का? जैसे कि कल से हमारी ट्रिप शुरू हुई थी। हाँ, और शाम को हम लोग बोटैनिकल से अपने रूम की तरफ गए, 18 मार्केट घूमते हुए गए। हाँ, मार्केट जो कि नोएडा की सबसे फेमस मार्केट्स में से एक है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ हमने तरह तरह की चीज़ों का जायका लिया, नॉन वेज वेज हर तरह का। हाँ, खाना खाया। बिल्कुल, रात भर खाना खाया, जोमेटो किया, ब्लैंकेट किया, ब्लैंकेट किया, दो तीन बार जोमेटो किया और कई कई तरह की चीज़ हमने बनाई, एक्सपेरिमेंट्स किए। हाँ, और सुबह उठते ही जैसे कि हम तैयार थे और एक्साइटेड भी थे बिल्कुल ऑटो एक्सपो में जाने के लिए, एक्सपो मार्ट, इंडियाज बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपो मार्ट ऑफ इंडिया, ग्रेटर नोएडा में, पूरे 3 साल बाद लगा है 2020 के बाद, कोविड की वजह से एक साल लग पाया था, एक साल डिले हो गया। बिल्कुल, सुबह वहाँ जाने के बाद उसका एक्सपीरियंस तो और भी शानदार रहा, दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई। बिल्कुल सही बात है, और नई नई तरह तरह की गाड़ियाँ और कॉन्सेप्ट्स देखे, नए आने वाले फ्यूचर के देखने के लिए, बिल्कुल देखने को मिले। उसमें की सबसे बेहतरीन था मारुति का जिम्नी फाइव डोर जो कि वो एकदम लॉन्च हो चुकी है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक एक्चुअल गाड़ी है, वो लॉन्च हो गई है, अब कुछ बहुत ही जल्द रोड पे देखेंगे। सबसे चर्चा का विषय बनी हुई है लोगों के बीच, हाँ आज देख भी लिया। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और वहाँ से घूमते फिरते चीज़ों को देखते समझते हम आप पहुँचे ग्रेटर नोएडा में, और अभी हम खड़े हैं अल्फा वन के नीचे, अल्फा वन के डोमिनोज पे हम थोड़ी देर पहले गए थे। ये रहे हम तीनों, क्या हमने कहा है तीसरा। सो अब हम अपने सफ़र को यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, अपनी अपनी राह निकल रहे हैं, हम लोग वापस आगरा जाएंगे, ये जाएगा वापस नोएडा अपने पीजी, और कल से वापस बैक टू वर्क लाइफ। शाहरुख खान की एक नई मूवी आने वाली है पठान, हाँ जिसके जैसे देखने का हमने प्लान किया है और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, 2 हफ्ते बाद वापसी होने वाली है। फिर दोस्तों फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। ठीक है, फिर से कंटिन्यू होगा ये नोएडा ट्रिप, तब तक के लिए गुड बाय। ये है द फेमस परी चौक। तो दोस्तों ये था ऑटो एक्सपो 2023, इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म और चलते हैं वापस आगरा की तरफ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।